अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज मैं आपको विंडो 11 के बारे में बता दूंगा। मेरे पास विंडो 11 अपडेट आया, मैंने कर लिया। मुझे क्या पता था कैसे है, पता नहीं था। तो 2-4 दिन मैंने चलाया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये रिस्टार्ट होना, मतलब ये मुझे 20 सेकंड भी रहने नहीं देता था। 20 सेकंड के बाद यहाँ पे लिख के आता था ये रिस्टार्ट होने वाला। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा अगर मैं दूसरी विंडो इसमें चढ़ाऊं तो ओरिजिनल विंडो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं ऐसे ही दिमाग ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है। तो अब आपको अगर अपना पीसी में, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, वायरस आती है बहुत ज़्यादा, या अगर आपको किसी को बेचना होगा अपना पीसी, तो आपने सारा कुछ रिमूव करना है, या अगर वायरस आई हुई है, डाटा बचाना चाहते हो तो खाली फॉर्मेट करना चाहते हो, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले हमने राइट क्लिक करना है, ठीक है, डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाना हमने कहाँ पे, अपडेट, विंडोज़ अपडेट पे, इस पे हमने जाना। उसके बाद हमने एडवांस में जाना, ऑप्शन में, ठीक, इस पे हमने क्लिक किया, ये रिकवरी आ गया ना, इस पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया ना रीसेट दिस पीसी, रीसेट पीसी पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे याद रख लेना कि मैं फाइल, मतलब जो आपने इंस्टॉल की है फाइलें, जैसे ये फाइल है, ये फाइल है, ये और ये, जैसे ये फाइलें हैं, ये इस पे अगर क्लिक कर लोगे ना तो ये खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अंदर सी के बिना DEF जो भी ड्राइव होगी वो बच जाएगा, ठीक है, डाटा बच जाएगा। खाली जो सी में इंस्टॉल होती है ना फाइलें, वो खत्म हो जाएंगी इस पे, ठीक है। मैंने ये वाला किया क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ कर लिया, खाता ही खत्म कर लिया, इस पे क्लिक करके। उसके बाद कभी कोई कोई पीसी 20 मिनट, 40 मिनट लेता है, मैं, मेरे पीसी में 20-25 मिनट लिए थे, कोई पीसी 1 घंटा भी लेता है। तो याद रखे चार्जर लगा होना चाहिए, ऐसा ना हो बीच में आपका, मतलब पीसी या लैपटॉप जो भी होगा, तो उसकी बैटरी डाउन होगी, तो आप लगाओगे फॉर्मेटिंग पे, तो फिर आपको फॉर्मेट, मतलब वो विंडो चेंज करनी ही पड़ेगी, याद रख लेना, ठीक है।